तो फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं अपना। इस चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 2 है हमारा, इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। क्या जो हमारे आसपास मैटर है वो प्योर है, इस चैप्टर का नाम है। सो पहला है हमारा, स्टार्ट करते हैं, हाउ डू वी जज वेदर द मिल्क, घी और बटर, सॉल्ट, स्पाइसेस, मिनरल्स, वाटर और जूस दैट वी बाय फ्रॉम द मार्केट आर प्योर। यानी कि हम कैसे जज करते हैं कि जो भी हम चीज़ खरीदते हैं मार्केट से, मिल्क हो, घी हो, बटर हो, वो प्योर है या नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि हमारा आता है, हैव यू एवर नोटिस द वर्ड प्योर रिटन ऑन द प्योर पैक्स ऑफ दीज कंज्यूमेबल। यानी कि आपने कभी नोटिस किया है जो ये प्योर वर्ड है, ये आपने कभी नोटिस किया है इन चीज़ों पर लिखा हुआ, जैसे प्योर मिल्क हो गया, प्योर घी हो गया, तो इनका मतलब क्या होता है? ये प्योर रियल में प्योर होते हैं, नहीं होते हैं? तो फॉर कॉमन पर्सन प्योर मीन्स हैविंग नो अडल्ट्रेशन। यानी कि प्योर का मतलब आम लोगों के लिए क्या है कि उसमें कोई मिलावट नहीं है, यानी कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे कि इंसान को नुकसान हो सकता है, और ठीक है, जो फायदेमंद नहीं हो और सस्ती भी हो, ऐसी चीज़ें मिक्स नहीं की गई उसमें। बट फॉर अ साइंटिस्ट ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली मिक्सचर्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेज एंड हैंस नॉट प्योर। लेकिन साइंटिस्ट के लिए ये सारी चीज़ें प्योर नहीं होती है, ये एक मिक्सचर होता है जिसमें डिफरेंट तरह के सब्सटेंसेस होती है, डिफरेंट तरह की उनकी प्रॉपर्टीज़ होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। अगर हम एग्जांपल की बात करें मिल्क की, तो मिल्क हमारा, आप बोलेंगे मिल्क, अब मिल्क प्योर क्या है? तो यानी कि उसमें कुछ और चीज़ें नहीं मिली हुई है, ये कॉमन इंसान के लिए है। लेकिन साइंटिस्ट के लिए मिल्क को वो और अलग नज़रिए से देखता है। तो मिल्क में हमारा क्या है, क्या क्या एलिमेंट है हमारे? वाटर है, फैट है, प्रोटीन है, एक्सेट्रा, यानी कि बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, तो यानी कि साइंटिस्ट के लिए मिल्क एक मिक्सचर है, लेकिन आम इंसान के लिए मिल्क एक प्योर फॉर्म हो सकती है। तो व्हेन अ साइंटिस्ट सेज समथिंग इज प्योर, लेकिन अगर साइंटिस्ट बोलता है कि ये चीज़ प्योर है, इसका साइंटिस्ट का मतलब ये है कि जो उसमें पार्टिकल्स होंगे, जिस पार्टिकल से वो पूरा सब्सटेंस बना है, जो मिक्सचर बना है, या मिक्सचर जो भी सब्सटेंस है, उसमें सेम टाइप के पार्टिकल्स होंगे, साइंटिस्ट का मानना ये है। अगर साइंटिस्ट का मानना ये है कि उसमें सेम टाइप्स के पार्टिकल्स होंगे, उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो सेम होगी, तभी वो सब जो साइंटिस्ट होगा उस चीज़ को प्योर मानेगा। तो प्योर सब्सटेंस में क्या क्या चीज़ें होती है? प्योर सब्सटेंस में हमारे होते हैं, अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स, एंड इन अदर वर्ड सब्सटेंस इज प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ अ वाटर। यानी कि प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या है, उसमें सिंगल टाइप ही, एक ही टाइप के पार्टिकल्स होंगे। और हम कह सकते हैं कि जो अगर सब्सटेंस कोई भी सिंगल फॉर्म ऑफ सिंगल टाइप के पार्टिकल से बना होता है, तो उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, हम प्योर सब्सटेंस कहेंगे। ठीक है, सो एज वी लुक अराउंड वी कैन सी द मोस्ट ऑफ द मैटर्स अराउंड अस एग्जिस्ट एज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। तो अगर हम अपने चारों ओर देखेंगे, तो हम देखेंगे कि जितनी भी सारी चीज़ें हैं, जितने भी सारे मेटल्स हैं, वो या तो दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट से मिलके बने होंगे, उनके मिक्सचर्स होंगे। जैसे कि अगर हम वाटर देखते हैं, सी वाटर, तो सी वाटर में हमारा क्या क्या होगा? सी वाटर में हमारा वाटर होगा, ठीक है, और साथ में सॉल्ट भी होगा, यानी कि मिक्सचर है। मिनरल्स की बात करें, मिनरल्स हो गया, सॉइल हो गया, सॉइल इज ऑल्सो मिक्सचर, जिसमें हमारा नाइट्रोजन भी होता है, उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स आपको मिल जाएंगे। ये सब क्या है? ऑल मिक्सचर्स है जिसमें दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स होते हैं। अब मिक्सचर होता क्या है? मिक्सचर आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द मोर देन वन काइंड ऑफ अ प्योर फॉर्म ऑफ वाटर मैटर। यानी कि मिक्सचर्स में आपको एक या एक से ज़्यादा काइंड के पार्टिकल्स मिल जाएंगे, ठीक है, जो एक मैटर बनाते हैं। वी नो दैट वी डिजोल्व क्लोर सोडियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाई यूजिंग फिजिकल प्रॉपर्टी प्रोसेस ऑफ एवोपोरेशन। अब जैसे सी वाटर है, सी वाटर में हमारा क्या क्या होता है? सॉल्ट होता है, ठीक है, और साथ में वाटर होता है। देखो क्या क्या होता है, वाटर होता है, ठीक है, वाटर यानी कि H2O होता है, और साथ में सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl होता है, ठीक है, ये दो चीज़ होती है इसमें। तो हम सोडियम क्लोराइड को वाटर से, सी वाटर से रिमूव कर देंगे, तो जो वाटर होगा वो प्योर हो जाएगा। तो इसको हम रिमूव करने के लिए हम एवोपोरेशन यूज़ कर सकते हैं। एवोपोरेशन प्रोसेस क्या होता है? जिसमें हम वाटर को वेपर में कन्वर्ट करते हैं। तो याद रखना, जब भी हम वाटर को वेपर में कन्वर्ट करते हैं, तो वाटर की जो प्योर फॉर्म होती है, वाटर की जो प्योर फॉर्म होती है यानी कि H2 होता है, वो वेपर की फॉर्म में ऊपर चले जाएगा, और जो NaCl होगा वो नीचे रह जाएगा, जिससे कि वाटर और NaCl सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि एवोपोरेशन से हम आसानी से
सोडियम क्लोराइड को वाटर से, सी वाटर से, सॉल्ट वाटर से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस कहाँ थे हम, हाँ, सो हाउ अबाउट द सोडियम इट्सेल्फ अ प्योर सब्सटेंस एंड कैन नॉट बी सेपरेट बाय द फिजिकल प्रोसेस इनटू अ केमिकल कॉन्स्टिट्यूट। सिमिलरली अ सुगर, सुगर कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ अ प्योर मैटर एंड इट्स कंपोजिशन इज द सेम थ्रू आउट। जैसे शुगर की बात करें तो शुगर में हमारे सेम काइंड के प्योर मैटर्स आपको मिल जाएंगे, सेम काइंड के आपके पार्टिकल्स मिल जाएंगे, तो इसे हम प्योर कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि प्योर सब्सटेंस होगा जिसमें कोई भी फिजिकल प्रोसेस से, किसी भी फिजिकल प्रोसेस से उसे सेपरेट ना किया जा सके। ठीक है, तो उसे हम प्योर सब्सटेंस कहेंगे। आप सॉफ्ट ड्रिंक या सॉइल आर नॉट अ सिंगल प्योर सब्सटेंस। सॉफ्ट ड्रिंक ले लो, जैसे कि कोई भी कोका कोला ले लो, पेप्सी ले लो, तो ये सॉफ्ट ड्रिंक को हम सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि ये सिंगल प्योर सब्सटेंस नहीं, सॉरी ये हमारा मिक्सचर है, इज नॉट अ सिंगल प्योर सब्सटेंस क्योंकि ये मिक्सचर है। सॉफ्ट ड्रिंक में बहुत सारी चीज़ें मिक्स की जाती है और साथ में हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी इसमें मिक्स की जाती है। ठीक है, और सॉइल की बात करें तो सॉइल में आपको बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, ये डेफिनेटली ये मिक्सचर है, नॉट अ सिंगल प्योर सब्सटेंस। सो वट एवर द सोर्स ऑफ द प्योर सब्सटेंस मे बी, इट विल ऑलवेज हैव अ सेम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। तो सिंगल सब्सटेंस, सिंगल जो प्योर सब्सटेंस होगा उसमें हमेशा जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी सारे पार्टिकल्स की वो सेम होगी, यानी कि जो सेमी केमिकल प्रॉपर्टीज होगी वो सेम होगी सारे पार्टिकल्स की उस सब्सटेंस में जो प्योर होगा। ठीक है, देयरफॉर वी कैन से द मिक्सचर कंटेन मोर देन वन प्योर सब्सटेंस। तो हम कह सकते हैं जो मिक्सचर होता है उसमें एक या एक से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, अब आ चलते हैं आगे। अब आता है हमारा टाइप ऑफ मिक्सचर्स। अब टाइप ऑफ मिक्सचर यानी कि मिक्सचर के क्या प्रकार होते हैं, किस टाइप, कितने टाइप्स के होते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कंपोनेंट दैट फॉर्म अ मिक्सचर्स वी कैन हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर्स। यानी कि जिन कंपोनेंट से जिन चीज़ों से कोई मिक्सचर बनता है उन बेसिस पे हम डिफरेंट टाइप के मिक्सचर्स बना सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल पे दे रखा है एग्जाम्पल, ये आपने पहली क्लासेस में भी पढ़ा होगा, मैंने ये पढ़ाया हुआ है पहले भी बच्चों को छोटी क्लास में, फोर्थ फिफ्थ में। जैसे कि हमने एक मिक्सचर होता है ना, एक सॉलिड लिक्विड मिक्सचर, सो सॉलिड लिक्विड मिक्स, सॉलिड लिक्विड का मिक्सचर का हमारा एग्जांपल क्या होगा जल्दी से बताओ। जैसे कि चॉक पाउडर और पानी को अगर हम मिला देंगे तो सॉलिड और लिक्विड का एक मिक्सचर बन जाएगा। ठीक है, तो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लिक्विड लिक्विड मिक्सचर। ठीक है, लिक्विड लिक्विड मिक्सचर का क्या होगा, दूध में हम अगर पानी मिला देंगे तो लिक्विड लिक्विड मिक्सचर होगा। तो ये सारे कुछ मिक्सचर्स है। ठीक है, तो यहाँ इसने टाइप तो दिए नहीं है, मतलब इतने डिटेल में बात नहीं की गई है। अब पढ़ते हैं हम सॉल्यूशंस क्या होते हैं। ठीक है, तो अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। यानी कि सॉल्यूशन को अगर हम होमोजेनियस मिक्सचर तभी कहेंगे, होमोजेनियस मिक्सचर होगा दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का, जैसे कि लेमनॉइड और सोडा वाटर। ठीक है, जो हम यूज़ करते हैं ये सारे कॉमन सॉल्यूशंस है, ये सारे क्या है एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन। क्योंकि देखो लेमनॉइड में हम क्या मिलाते हैं, पानी में क्या डाला हमने लेमन का रस डाला। ठीक है, ऐसे सोडा वाटर में हम सोडा मिलाया, तो ये क्या है हमारे एक मिक्सचर है, होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर मतलब सेम टाइप के हम मैटर यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि लिक्विड में लिक्विड यूज़ कर रहे हैं, ये होमोजेनियस हो गए। ठीक है, इसलिए ऐसे हम होमोजेनियस बोल रहे हैं। यूजली वी थिंक ऑफ अ सॉल्यूशन एज अ लिक्विड दैट कंटेन्स इधर सॉलिड और अ लिक्विड और गैस डिजॉल्व इन इट, बट वी कैन हैव ऑल्सो अ सॉलिड सॉल्यूशन। जैसे कि सोलर सॉल्यूशन में क्या हो सकता है, एलॉय यानी कि दो जो मेटल्स होते हैं उनको मिला के हम एक चीज़ बना सकते हैं, एलॉय होते हैं हमारे बहुत सारे। और गैसियस सॉल्यूशंस, ये तो हमारा लिक्विड सॉल्यूशन था जो मैंने अभी बात करी है सोडा वाटर का, क्योंकि इसमें सोडा वाटर में सोडा मिलाया, तो यानी कि दोनों लिक्विड सॉल्यूशन है।
ऐसी मैटर मैटर का सॉरी सॉलिड सॉलिड का भी हो सकता है, यानी कि सॉलिड में सॉलिड मिक्स कर दिया जाएगा तो एक एलॉय बन जाएगा, ठीक है। जैसे कि हमारा जिंक होता है, जिंक हमारा दो दो मेटल से बनता है, मेटल से बनता है, आप दोनों मेटल को मिक्स करके हम एक एलॉय बना सकते हैं, यानी कि सॉलिड सॉलिड मिक्सचर। एक होता है गैसियस मिक्सचर, गैसियस मिक्सचर यानी कि हमारी जो एयर होती है उसमें बहुत तरह की गैसेस होती है, उसमें सबसे ज़्यादा हमारी होती है नाइट्रोजन गैस, उसके बाद होती है ऑक्सीजन गैस और सारी गैसेस हमारी, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस भी होती है, ये सारी गैसेस मिक्सचर्स है, यानी कि इसे कहेंगे हम गैसियस सॉल्यूशन और गैसियस मिक्सचर। सो इन अ सॉल्यूशन देयर इज अ होमोजेनिटी एट द पार्टिकल और लेवल, फॉर एग्जांपल लेमिनर टेस्ट द सेम थ्रू आउट, यानी कि होमोजेनिटी मतलब क्या है कि जो अगर होमोजेनिटी का मतलब ये है कि अगर कोई सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस में मिक्स किया जाता है तो वो पूरी तरह से घुल जाता है, ठीक है। तो अगर कोई चीज़ किसी चीज़ में, कोई लिक्विड किसी चीज़ लिक्विड में पूरी तरह से घुल जाता है तो उसे हम कहेंगे होमोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि उसका जो हर एक ड्रॉप होगा उसका टेस्ट एकदम सेम होगा सारे ड्रॉप्स का उस लिक्विड का। तो दिस शो द पार्टिकल ऑफ द शुगर एंड सॉल्ट आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सॉल्यूशन, यानी कि अगर हम शुगर को डालें या नमक को डालें पानी में तो पूरी तरह से घुल जाता है पानी में, तो इसे हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, जो पूरी तरह से घुल जाता है। लेकिन अगर हम तेल को पानी में डालेंगे तो घुल जाएगा, या चॉक पाउडर को हम डालेंगे पानी में तो घुल जाएगा, एक टाइम पे वो क्या होगा सेटल डाउन हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। मिट्टी को हम पानी में डालेंगे तो सेटल डाउन हो जाएगा, यानी कि पूरी तरह से मिक्स नहीं होगा। तो अब यहाँ एग्जाम वो दे रखा है हमारा इसमें थोड़ा समझाने के लिए कि एलॉय होता क्या है। एलॉय क्या होता है, अगर दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को मिक्स करके हम बनाते हैं, मिक्स कर देते हैं और उसमें बना के कोई नया मेटल बनाते हैं, कोई नया एलिमेंट बनाते हैं, तो उसे हम एलॉय कहते हैं, और इन्हें सेपरेट नहीं किया जा सकता किसी भी फिजिकल मेथड से, ठीक है। यानी कि इसमें केमिकल चीज़ें यूज़ की जाएगी तभी सेपरेट किया जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि जो ब्रास होता है, ब्रास इज़ अ मिक्सचर ऑफ अप्रोक्सीमेटली 30% जिंक, यानी कि जो ब्रास हमारा एक अलॉय है जिसमें 30% जिंक होता है और 70% कॉपर होता है, ठीक है। अब आता है हमारा कि सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन दो चीज़ से मिलके बनता है, याद रखना। पहला होता है हमारा, मैं यहाँ तो आपको लिख के बता देता हूँ, तो पहला होता है हमारा सॉल्वेंट और दूसरा होता है हमारा सॉल्यूट। याद रखना सॉल्यूट सॉल्वेंट हमेशा ज़्यादा होता है सॉल्यूट से, तो जो चीज़ ज़्यादा होती है वो सॉल्वेंट होती है और जो चीज़ कम होती है वो सॉल्यूट होता है, ठीक है। तो अगर सपोज़ मैंने पानी में सॉल्ट डाला तो सॉल्ट हमारा सॉल्यूट होगा और सॉल्वेंट हमारा वाटर होगा, कि वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है। तो कंपोनेंट ऑफ द यहाँ हम इसे हटा देते हैं, द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिजॉल्व द अदर कंपोनेंट इन इट द इज कॉल्ड सॉल्वेंट। यानी कि ऐसा कंपोनेंट जो पूरी तरह से दूसरे सब्सटेंस को डिजॉल्व कर लेता है, घोल लेता है अपने में, उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट, यानी कि जो चीज़ मिलाई जाती है लेसर क्वांटिटी होती है उसे हम कहते हैं सॉल्यूट, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ वो ये एक्सप्लेन कर रहा है। सो अब आता है हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। अब कॉन्सेंट्रेशन, आप ये टर्म्स बहुत आगे सुनोगे, आप सब पढ़ोगे, तो कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या होता है कि तो ये कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है यहाँ प्रोपोर्शन होता है हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। सो यानी कि अगर हम ज़्यादा सॉल्यूट डालते हैं उसमें, अगर उसमें हमारा ज़्यादा सॉल्यूट होता है कम सॉल्वेंट होता है, तो इससे हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन होगा सॉल्यूशन का वो कम ज़्यादा हो सकता है। तो जैसे कि अगर डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इट कैन बी डाइल्यूट, ठीक है। तो अगर मैं कह सकता हूँ, तो तीन हमारे वो होते हैं हमारे इसमें टाइप। एक होता है हमारा डाइल्यूट, आप इसमें जब केमिकल लैब में जाओगे तो जो केमिकल्स बोटल्स होती हैं जिसमें केमिकल्स होते हैं उनके आगे लिखा रहता है डाइल्यूट H2SO4, कंसनट्रेटेड H2SO4 और सैचुरेटेड केमिकल्स, ठीक है। तो डाइल्यूट और जो कंसनट्रेटेड है ये कंपैरेटिव टर्म्स है, ठीक है। सो यानी कि अगर सपोज यहाँ एक्टिविटी दे रखी है हमारी, तो सपोज एक आपको करना क्या है, आपको दो सेपरेट बीकर्स में 50 ml वाटर ले लेना है, ठीक है। एक बीकर में आपको सॉल्ट डालना है और एक बीकर में आपको शुगर या फिर बैरियम क्लोराइड डालना है दूसरे, ठीक है। उसके बाद आपको उसको दोनों को बीकर्स को हिलाना है, ठीक है, दोनों बीकर्स को हिलाना है। तो अगर
पूरी तरह से व्हेन नो मोर सेलुलोज कैन बी डिजोल्व हीट द कंटेंट ऑफ द बीकर टू राइज द टेम्परेचर बाय 5 डिग्री सेल्सियस स्टार्ट एडिंग द सोल्यूट अगैन। तो यानी कि आपको पूरी तरह से उसे हिलाना जब तक पूरी तरह से वो घुल नहीं जाता है, उसके बाद उसे टेम्परेचर को थोड़ा सा राइज करके 5 डिग्री टेम्परेचर पे वापस से उसमें सोल्यूट ऐड करना शुरू करना है। इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट और शुगर एंड बैरियम क्लोराइड दैट कैन बी डिजोल्व इन वाटर एट अ टाइम गिवन टेम्परेचर द सेम। सो एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर सोल्यूशन हैज डिजोल्व एज अ डिजोल्व एज अ मच एज सोल्यूट इज कैपेबल डिजोल्विंग सेट टू बी अ सेट। यानी कि इसका मतलब ये कह रहा है यानी कि जो पूरी तरह से डिसॉल्व कर लेता है, यानी कि कोई सॉल्यूशन किसी तरह, अब सपोज मैंने घोल लिया उसके बाद वापस से मैं उसमें कुछ ऐड करता हूँ, तो अगर वो पूरी तरह से डिसॉल्व कर लेता है जो उसकी कैपेबिलिटी होगी डिसॉल्व करने की उस सॉल्यूशन की, तो उसे हम कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इन अदर वर्ड अगर व्हेन नो मोर, तो यानी कि अगर एक पॉइंट पे अगर मैं और उसमें कुछ घोलने की कोशिश करता हूँ, डिसॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, मिलाने की कोशिश करता हूँ, अगर वो नहीं मिल पाता उस पॉइंट पे, तो जिस पॉइंट पे पूरी तरह से वो डिसॉल्व हो गया उसके बाद वो लेना बंद कर दिया, यानी कि उसमें मैं कुछ और भी डालता हूँ, मिक्स करता हूँ। जैसे सपोज मैंने पानी में चीनी डाली, घुल गई पूरी तरह से, फिर चीनी डाली फिर घुल गई पूरी तरह से, फिर जब तीसरी बार डाल रहा हूँ ना चीनी, वो पूरी तरह से घुल ही रही है, तो जिस पॉइंट पे वो घुलना बंद कर दी है तो उस पॉइंट पे उस सॉल्यूशन को हम कहेंगे सैचुरेशन सॉल्यूशन। ठीक है, द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी। यानी कि जिस टाइम पे उसका जो डिजोल्व होना बंद हो गया, यानी कि जिस पॉइंट पे वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया है गिवन टेम्परेचर पे, उस टाइम पे जो सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी होगी, यानी कि जिस टाइम पे जितना उसमें सॉल्यूट होगा जो हम मिला रहे हैं, जिस टाइम पे उतना सॉल्यूट होगा उस सॉल्यूशन में, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, उसका हम उसकी सॉल्युबिलिटी कहेंगे। सपोज अभी एक और समझाता हूँ मैं आपको, पानी में मैंने चीनी डाली, सपोज मैंने 10 ग्राम चीनी डाली, ठीक है, घुल गई, फिर मैंने 10 ग्राम चीनी डाली, घुल गई, जब मैंने 10 ग्राम फिर दोबारा चीनी डाली, शुगर डाली मैंने, तो वो घुल नहीं रही है, तो जिस टाइम पे वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन था, क्योंकि 10 ग्राम मैंने डाली घुल गई है, तो 20 ग्राम पे वो पूरी तरह से घुल गई है, लेकिन जब तीसरी बार मैं डाल रहा हूँ तो वो घुल नहीं रही है, तो जिस टाइम पे वो पूरी तरह से घुल चुकी है, और जब अगर मैं आगे डालता हूँ 10 ग्राम वो पूरी तरह से घुल नहीं रही है, तो जिस किस टाइम पे वो पूरी तरह से घुल गई है 20 ग्राम पे, तो 20 ग्राम पे उसका सैचुरेशन सॉल्यूशन बन चुका है, यानी कि इस टाइम के बाद वो अब और सॉल्यूट नहीं ले पाएगा, तो जितना अमाउंट उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट होगा, जितना अमाउंट उसमें सॉल्यूट, यानी कि जो हम बोलते हैं सॉल्यूट होगा, यानी कि शुगर होगा, वो उस सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी होगी। ठीक है, तो इफ द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट कंटेन्स इन अ सॉल्यूशन इज लेस देन द सैचुरेशन लेवल, इट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है, यानी कि अगर कोई सॉल्यूट की मात्रा, यानी कि अगर मैंने शुगर डाल रहा हूँ, वो सैचुरेशन लेवल से कम है उस सॉल्यूशन के, तो उस सॉल्यूशन को हम कहेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्योंकि उस अभी भी उसमें हम और चीज़ें मिक्स कर सकते हैं कि वो पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इस ऐसे सॉल्यूशन को हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। व्हाट वुड हैपन इफ यू वर टू टेक सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ सर्टेन गिवन टेम्परेचर एंड कूल इट डाउन स्लोली। तो अगर क्या होगा अगर आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन को गिवन टेम्परेचर पे, किसी टेम्परेचर पे हम हीट करते हैं, उसके बाद उसको ठंडा करने के लिए छोड़ देते हैं। इफ़ वी कैन इन्फेयर बाय फ्रॉम अबव एक्टिविटी, डिफरेंट सब्सटेंस इन अ गिवन सॉल्वेंट हैव अ डिफरेंट सॉल्युबिलिटी एट अ गिवन सेम टेम्परेचर। तो इसमें बोला गया है कि जो डिफरेंट सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, डिफरेंट सब्सटेंस की सेम सॉल्वेंट में डिफरेंट सॉल्युबिलिटी होती है और सेम टेम्परेचर पे। यानी कि अगर हम बात करें शुगर की, तो शुगर 20 ग्राम बाद वो घुलना बंद कर देगा, ठीक है, और अगर हम सॉल्ट की कहें तो वो 30 ग्राम बाद घुलना उसमें बंद हो जाएगा, यानी कि 30 ग्राम बाद उसकी जो 30 ग्राम बाद क्या जो वो सॉल्यूशन होगा वो सैचुरेटेड हो जाएगा। यानी कि डिफरेंट सब्सटेंस की डिफरेंट सॉल्युबिलिटी होगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन द
प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूशन, यानी कि इसका मतलब क्या है कि जो कंसंट्रेशन होता है किसी भी सॉल्यूशन का, वो क्या होता है, इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका हम फॉर्मूला बना सकते हैं कि कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जिससे हमारा कंसंट्रेशन निकल जाएगा। देयर वेरियस वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, बट हेयर वी विल लर्न ओनली थ्री मेथड्स। तो यहाँ हम मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन निकालेंगे। तो जैसे कि मुझे परसेंट सॉल्यूशन, वो परसेंटेज निकालना है, मुझे परसेंटेज निकालना है शुगर का, ठीक है। सपोज शुगर है हमारा 10%, 10% नहीं 10 ग्राम, और सॉल्यूशन है हमारा 90 ग्राम्स का, ठीक है। सॉल्यूशन हमारा 90 ग्राम्स का है, 10 ग्राम उसमें हमारा, उसमें सॉल्यूशन में हमारा 10 ग्राम शुगर है, तो हमारा उसका मास परसेंटेज कितना होगा। तो आपको करना क्या है, 10 को ऊपर रखना है, नीचे 190 हो जाएगा, सॉरी 90 है सॉल्यूशन का मास, और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, और ये आ जाएगा हमारा समथिंग 1.11 समथिंग आएगा, यानी कि 11.12% हमारे शुगर की होगी सॉल्यूशन में, ठीक है। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं, ऐसे ही मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज आप कैसे निकालेंगे, मास ऊपर हो जाएगा, मास हो जाएगा ऊपर हमारा सॉल्यूट का, और नीचे वॉल्यूम का हो जाएगा, और इनटू 100। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा नीचे। तो आप इसको टर्म्स को देखना है, पहले लिखा है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम स्टार्टिंग में जो वॉल्यूम है वो सॉल्यूट का है, और बाद में हमारा जो क्वांटिटी दे रखी है वो हमारे सॉल्यूशन की दे रखी है। तो उसके हिसाब से आप फॉर्मूला बना सकते हैं। तो यह न्यूमेरिकल दे रखा है, न्यूमेरिकल आप देख लेना, ठीक है। अब आता है हमारा सस्पेंशन। सो सस्पेंशन क्या होता है, नॉन होमोजेनियस सिस्टम लाइक दोज ऑब्टेन बाय द ग्रुप सी एक्टिविटी 2.1 इन विच सॉलिड्स आर डिस्पर्स्ड एंड लिक्विड आर कॉल्ड सस्पेंशन। सो अ सस्पेंशन इज अ हेटरोजेनियस मिक्सचर इन विच अ सॉलिड पार्टिकल डू नॉट डिसॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम एंड पार्टिकल ऑफ सस्पेंडेड आर विजिबल टू द नेक्स्ट आई। सपोज अगर हम बात करें मिट्टी की, मिट्टी रेते को अगर हम पानी में डालते हैं तो वो घुल जाता पूरी तरह, नहीं घुलता, एक टाइम के बाद वो क्या हो जाता है, सेटल डाउन हो जाता है और सस्पेंड हो जाता है, और आसानी से वो हमारी नंगी आंखों से, हम नेक डाई से उसे हम देख सकते हैं। तो यानी कि अगर हम सस्पेंशन आई की प्रॉपर्टीज़ की, सस्पेंशन आई बोलूँ मैं, सस्पेंशन की हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो वो क्या होता है, जो सस्पेंशन होता है वो एक हेटरोजीनियस मिक्सचर होता है। हेटरोजीनियस मिक्सचर इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होता है, इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो पूरी तरह से सस्पेंड होके सेटल डाउन हो जाएंगे, या फिर कहीं ऊपर आ जाएंगे या नीचे आ जाएंगे। जैसे कि हमारा ऑयल है, ऑयल को हम डालते हैं तो ऑयल क्या करता है, फ्लोट करने लग जाता है वाटर पे, तो वो पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं हो और सस्पेंड हो गया, यानी कि वो पूरी तरह से मिक्स हो ही नहीं रहा उसमें। वैसे ही अगर हम बात करें चॉक पाउडर की, चॉक पाउडर भी एक टाइम पे तो पहले वाइट दिखेगा, लेकिन एक टाइम पे वो भी सेटल डाउन हो जाएगा, तो इट विल नॉट बी डिसॉल्व अगेन। तो जो पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंडेड सस्पेंशन, इट केयर्स अ बीम ऑफ अ लाइट पास थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। यानी कि अगर हम यहाँ देखेंगे एग्जांपल में, ये हमारा एक लिक्विड है, ठीक है, हेटरोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है, इसमें से मैंने एक लाइट डाली तो इसने लाइट पास करने दी है, यानी कि इसके बीच में स्पेस है, यानी कि इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, ठीक है। तो यानी कि ये रिफ्रैक्ट कर रहा है लाइट को, रिफ्रैक्ट यानी कि आर पार जाने के लिए पास दे रहा है, ठीक है, यानी कि उसमें से लाइट जाने के लिए स्पेस दे रहा है, इसलिए इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। द सॉल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन द सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब, यानी कि
जो सॉलिड पार्टिकल्स होंगे, सपोज मैंने मिट्टी का बताया था, मैं आपको रेत का बताया था, अगर अब उसे हिलाएंगे नहीं, उसका जिसमें वो पानी में घुला हुआ, अगर उसे हम हिलाएंगे नहीं अनडिस्टर्ब, यानी कि उसे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया, तो वो सेटल डाउन हो जाएंगे एंड एंड दैट इज़ अ सस्पेंशन इज़ अनस्टेबल। और इसे हम कहते हैं जो सस्पेंशन है वो अनस्टेबल है, दैट कैन बी सेपरेट फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, यानी कि जो मिक्सचर है उसे हम सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पानी में चीनी, पानी में नमक डालते हैं, उसे आप फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर सकते हैं? नॉट पॉसिबल। सो उसके लिए हमें कोई केमिकल प्रोसेस की ज़रूरत पड़ेगी, देर इज नो फिजिकल प्रोसेस बाय विच वी कैन सेपरेट सोडियम क्लोराइड फ्रॉम वाटर, सी वाटर में, यानी कि हम उसमें फिजिकल प्रॉपर्टी से, फिजिकल चीज़ से, फिजिकल रिएक्शन से हम उसे सेपरेट नहीं कर सकते। तो व्हेन पार्टिकल सेटल डाउन, सस्पेंशन होता है, वो ब्रेक्स होता है एंड इट डज नॉट स्क्रेट स्कैटर लाइट एनी मोर। ठीक है, तो अगर जस्ट लाइट सेटल डाउन हो जाए, जो सॉरी जो पार्टिकल्स है वो सेटल डाउन हो जाते हैं, तो अगर हम पार्टिकल सेटल डाउन से अगर हम लाइट पास थ्रू करने की कोशिश करेंगे, तो वो लाइट पास नहीं होगी, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में कोई स्पेस नहीं है। अब आता है हमारा व्हाट इज़ अ कोलोइडल सॉल्यूशन। तो कोलोइडल सॉल्यूशन क्या है? तो इसमें एक्टिविटी कराई गई है बाय ग्रुप डी इन एक्टिविटी 2.2 इज़ अ कोलोइड। द पार्टिकल ऑफ अ कोलोइड आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन, यानी कि कोलोइडल पार्टिकल्स, कोलोइडल सॉल्यूशन में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो पूरी तरह से स्प्रेड आउट होते हैं पूरे सॉल्यूशन में, ड्यू टू द रिलेटिव स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल एज कम्पेयर टू दैट ऑफ आर सस्पेंशन, द मिक्सचर अपीयर्स टू बी होमोजीनियस। यानी कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उनका जो साइज होता है वो काफ़ी स्मॉल होता है, और ठीक है, तो जिसकी वजह से जो उनकी जो ग्रेविटी होती है उन पे, यानी कि जो फोर्स होता है, जिसकी वजह से वो नीचे सेटल डाउन नहीं हो पाते जल्दी से, और वो पूरी ऐसे लगता है कि जैसे वो मिक्सचर होमोजेनियस मिक्सचर है। एग्जाम्पल के तौर की बात करें, मिल्क जो कोलाइडल सोल्यूशन होता है, याद रखना वो हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है, एग्जाम्पल के तौर पे मिल्क, बिकॉज क्योंकि जो मिल्क होता है, मिल्क में मिल भी है ऑल्सो मिक्सचर, तो जो मिल्क होता है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही पतले बोल रहा हूँ मैं, बहुत ही स्मॉल होते हैं, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से स्प्रेड आउट होते हैं पूरे हमारे मिल्क में, यानी कि अगर हम मिल्क को सेपरेट करेंगे तो वाइट वाइट हमारा जो उसमें वो है क्वांटिटी है, वो अगर सेपरेट करेंगे तो वाटर ऑफ क्वांटिटी अलग हो जाएगी। जो ये वाइट वाइट है, ये इसका जो साइज है पार्टिकल्स का बहुत ही स्मॉल है, जो पूरी तरह से स्प्रेड आउट है पूरे सॉल्यूशन में, तो ये दिखने में तो हमें ऐसा लगता है कि होमोजेनियस मिक्सचर है, लेकिन ये होमोजेनियस मिक्सचर नहीं होता, इसे भी हेट्रोजेनियस ही मिक्सचर कहेंगे, और इसे ऐसे सॉल्यूशंस को हम कहते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन। ठीक है, और ऐसे मिक्सचर्स जो ऐसे ये पार्टिकल्स होते हैं, इन पार्टिकल से हम बीम लाइट को आसानी से पास थ्रू करा सकते हैं, और एक्टिविटी 2.2 में करी है इन्होंने। तो दिस स्केटिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट। तो जो ये लाइट को इस जैसे ये यहाँ आप देखेंगे, इसमें करा रखी है हमारी, तो जो ये लाइट पास थ्रू होकर जाती है, ठीक है, ये पास थ्रू होकर जाती है, इसको हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। तो अगर हम ये टिंडल इफेक्ट करने की कोशिश करेंगे कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से, तो ये नहीं होगा। तो जो टिंडल इफेक्ट होता है वो वाटर सॉरी मिल्क हमारा शो करता है, और इस टिंडल इफेक्ट नाम रखा गया है साइंटिस्ट के नाम के ऊपर जिसने इसे डिस्कवर किया था। सो जो टिंडल इफेक्ट होता है कैन बी ऑल्सो बी ऑब्जर्व व्हेन अ फाइन बीम ऑफ लाइट एंटर्स अ रूम थ्रू अ स्मॉल होल, एंड दिस हैपन्स ड्यू टू द स्केटिंग ऑफ अ लाइट बाय द पार्टिकल ऑफ डस्ट एंड स्मोक इन द एयर। तो अगर हम को आपने देखा वो टिंडल इफेक्ट, कि अगर कोई होल है दीवार में, ठीक है, और उससे सनलाइट आ रही है, ठीक है, तो जो सनलाइट आती है उसमें आप देखेंगे जो लाइट है उस होल इतना है, लेकिन लाइट वो धीरे धीरे ऐसे बढ़ती हो जा रही है, ठीक है, स्केटरिंग हो रही है उस लाइट की, ठीक है, ऐसे ऐसे बढ़ती जा रही है, यानी कि वो लाइट यूं हो रही है, यूं यूं बढ़ रही है। तो ये किसकी वजह से होता है? ये होता है बेसिकली जो रूम में डस्ट स्मोक्स है
उनसे वो लाइट स्केटर हो रही है, यानी कि रिफ्लेक्ट होके और फैलती हुई जा रही है, ठीक है। तो ये जो इफेक्ट होता है ये उसकी वजह से होता है, तो इसे हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। अंडरस्टूड? सो आप देख सकते हैं टिंडल इफेक्ट का आप इसमें पेड़ों में। तो टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व व्हेन द सनलाइट पास थ्रू द कैनोपी ऑफ अ डेंस फॉरेस्ट एंड इन द फॉरेस्ट मिस्ट कंटेन अ टाइनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर विच एक्ट एज अ पार्टिकल ऑफ कोलोइडल डिस्पर्स्ड इन एयर। यानी कि अगर हम यहाँ फॉरेस्ट की बात करें तो फॉरेस्ट में हमारे छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट होते हैं जो कि एक्ट करते हैं एज अ डस्ट, जिससे कि लाइट पास थ्रू होकर जाती है और कुछ ऐसा इफेक्ट बनाती है। तो ये इफेक्ट काफ़ी ब्यूटीफुल है। तो यहाँ प्रॉपर्टीज दे रखी है, सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो जो कोलॉइड होता है ये हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है, ठीक है, याद रखना, ये होमोजेनियस नहीं होता, लगता है होमोजेनियस लेकिन हमारा होता है ये हेट्रोजेनियस। और जो इसके पार्टिकल्स होते हैं काफ़ी स्मॉल होते हैं, ठीक है, और इन्हें आसानी से नेक्ड आई से देखा जा सकता है। तो कोलॉइड्स आर बिग इनफ टू स्केटर द बीम ऑफ लाइट पास थ्रू इट एंड मेक्स इट्स अ पाथ विजिबल। यानी कि इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं इतने होते हैं बड़े कि वो आसानी से बीम ऑफ लाइट को स्केटर कर सके और उसमें से पास थ्रू करा के एक विजिबल पाथ बना सके। तो दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन द लेफ्ट अनडिस्टर्ब, यानी कि अगर हम उसे छोड़ देते हैं बिना डिस्टर्ब के तो क्या वो नीचे बैठ जाते हैं उनके वाइट पार्टिकल, दूध की बात करें हम, मिल्क की बात करें, तो उसमें क्या वो वाइट वाइट नीचे बैठ जाता है? नहीं बैठता ना। तो ऐसे क्योंकि इस पार्टिकल जो ये हमारा मिक्सचर होता है इसे हम कोलॉइड जो सॉल्यूशन होता है इसे हम काफ़ी स्टेबल सॉल्यूशन माना जाता है ये, ठीक है, हेट्रोजीनियस होता है लेकिन काफ़ी स्टेबल होता है। तो दे कैन नॉट बी सेपरेट फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। यानी कि मैंने ऐसे पहले आपको बताया था कि जो इसमें पार्टिकल्स होंगे, जैसे कि मिल्क है, मिल्क में हम जो इसमें वाइट वाइट कैल्शियम होता है इसे हम क्या रिमूव कर सकते हैं? नहीं कर सकते फिल्ट्रेशन से छान के। सो बट अ स्पेशल टेक्निक ऑफ सेपरेशन नोन एज अ सेंट्रीफ्यूगेशन कैन बी यूज्ड टू सेपरेट द कोलॉइडल पार्टिकल्स। यानी कि जो ये एक हमारा इसमें एक मेथड है, टेक्निक है सेंट्रीफ्यूगेशन, जिससे हम इजली से कोलॉइडल जो पार्टिकल्स है उन्हें आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। सो गाइज होप यू एंजॉयड इट, एंड अगर अब नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, उसके बाद ये ऑलमोस्ट चैप्टर ख़त्म हो गया। आई थिंक आई शुड फिनिश इट, कर देता फिनिश, ठीक है, आप भी क्या याद रखो। 33 मिनट की ऑलमोस्ट वीडियो हो चुकी है। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट, फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। सो इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्नड अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर। सो केमिकल प्रॉपर्टीज दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड स्पेसिफाइड लाइक अ कलर, हार्डनेस, रिजिडिटी, फ्लूडिटी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट आर फिजिकल प्रॉपर्टीज। यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज किसी भी मैटर की क्या होती है, उसका कलर, उसकी हार्डनेस, ठीक है, उसकी रिजिडिटी, उसकी फ्लूडिटी, कि वो फ्लो कर पाता है नहीं कर पाता है, ठीक है, और साथ में उसकी डेंसिटी कितनी है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब क्या है उस मैटर की क्या है फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो इंटर कन्वर्जन ऑफ अ स्टेट इज़ अ फिजिकल चेंज। यानी कि अगर कोई मैटर को हम सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करते हैं तो ये इसकी फिजिकल चेंज होता है। बिकॉज दिस चेंज अकर विदाउट चेंजिंग इन कंपोजिशन, नो चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस। तो ये जो इसे हम फिजिकल प्रॉपर्टी फिजिकल चेंज क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें उस सब्सटेंस की उसके जो कंपोजिशन होते हैं ना तो वो चेंज होते हैं
और साथ में उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है, केमिकल नेचर है, वो भी उसका चेंज नहीं होता। जैसे कि हम वाटर को ले ले, वाटर होता है हमारा वो, अगर उस आइस क्यूब के ले ले, आइस क्यूब को अगर हम मेल्ट करेंगे तो वो वाटर का वाटर रहेगा, यानी कि इसका जो फॉर्मूला होगा, इसका जो कॉम्पोजिशन होंगे H2 होगा, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिक्स रहेंगे, जो फॉर्मूला होगा वो रिमेन सेम रहेगा, यानी कि उसकी जो और जो इसकी रिएक्शंस दूसरे जो दूसरे एलिमेंट्स के साथ, दूसरे केमिकल्स के साथ भी सेम रहेगी, यानी कि उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है विल नॉट चेंज। सो ऑल्दो आइस, वाटर, वाटर वेपर ऑल लुक डिफरेंट, डिफरेंट डिस्प्ले द डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, बट दे आर केमिकली द सेम। जैसे कि मैंने आपको बताया, आइस हो गया, वाटर हो गया, या वाटर वेपर, ये सब्सटेंस देखने में डिफरेंट हो सकते हैं, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेंगी, बिकॉज दे आर केमिकल सेम, दे आर केमिकली सेम। सो बोथ वाटर एंड कुकिंग ऑयल आर अ लिक्विड, बट देयर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिफरेंट। तो अगर हम वाटर की बात करें और साथ में हम बात करें कुकिंग ऑयल की, तो ये दोनों ही लिक्विड है, लेकिन जो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो डिफरेंट है, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट है। सो दे डिफर इन ऑर्डर एंड इन्फ्लेमेबिलिटी, यानी कि जो इनका ऑर्डर होगा और साथ में इनकी जो इन्फ्लेमेबिलिटी, यानी कि अगर हम इन्फ्लेमेबिलिटी क्या होती है कि अगर हम किसी चीज़ को जलाते हैं, ठीक है, तो जैसे वाटर होगा, वाटर जल जाएगा, नहीं जलेगा, लेकिन ऑयल हो जल जाएगा, तो ये इसकी इन्फ्लेमेबिलिटी प्रॉपर्टी है। यानी कि वी नो दैट द ऑयल बर्न्स इन एयर वेयर एज वाटर एक्सटिंग्यूज फायर, यानी कि अगर हम बात करें कि ऑयल होता है वो आसानी से जल जाता है एयर में, लेकिन वाटर क्या करता है, वो आग को बुझाने का काम करता है। तो इट इज़ द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑयल दैट मेक्स डिफरेंट फ्रॉम द वाटर। तो जो ये प्रॉपर्टी है, ये केमिकल प्रॉपर्टी है डेफिनेटली, तो ये ऑयल को, ऑयल से वाटर को डिफरेंट बनाती है, ठीक है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वन सब्सटेंस रिएक्ट विद अनदर टू अंडरगो अ चेंज इन अ केमिकल कंपोजिशन, एंड केमिकल चेंज ब्रिंग्स चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैटर, एंड वी गेट अ न्यू सब्सटेंस, एंड अ केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। तो कभी भी किसी चीज़ में केमिकल चेंज होता है, कोई भी सब्सटेंस में केमिकल चेंज होता है, तो एक सब्सटेंस दूसरे के साथ रिएक्ट करके उसके जो उसमें चेंज आता है, केमिकल चेंज आता है, तो जो केमिकल चेंज आता है वो किसकी वजह से होता है, उस मैटर की केमिकल प्रॉपर्टी की, प्रॉपर्टी में चेंज की वजह से, तो हम उससे हमें एक नया सब्सटेंस मिलता है। तो जो ये केमिकल चेंज होता है, इसको हम केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। जैसे कि अगर हम रिएक्शन कराएं हाइड्रोजन की ऑक्सीजन के साथ, तो हमें क्या मिलता है, हाइड्रोजन की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें मिलता है वाटर। तो स्टार्टिंग में वो क्या थे, स्टार्टिंग में हमारे दो अलग अलग गैसेस थी, सेपरेट गैसेस थी, बट वंस दे आर मिक्स्ड और वंस दे आर रिएक्टेड विद ईच अदर वी गेट आवर वाटर H2O, ठीक है। सो ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ कैंडल बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज टेक प्लेस। तो जब भी हम कोई मोमबत्ती जलाते हैं तो क्या दो चीज़ होती है, फिजिकल चेंज भी होता है और केमिकल चेंज भी होता है। फिजिकल चेंज कैसे होता है, उसका जो साइज होता है वो छोटा हो जाता है, यानी कि फिजिकल चेंज हो रहा है, और साथ में केमिकल चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि उसमें रिएक्शंस भी हो रही है। रिएक्शंस क्या हो रही है, जो बर्न हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो बर्न होता जा रहा है, तो उसकी केमिकल चेंज भी हो रहा है। तो आता है हमारा व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। अब यहाँ सब्सटेंसेस के प्योर टाइप सब्सटेंस होते हैं उनके टाइप्स पढ़ेंगे। तो पहले आता है हमारा एलिमेंट्स, केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हमने क्लासिफाई कर सकते हैं एलिमेंट क्या है, कंपाउंड्स क्या है। तो एलिमेंट क्या होता है हमारा, तो रॉबर्ट बॉयल वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज टर्म एलिमेंट इन 1661, एंड एंटोइन लॉरेंस लेवोजियर अ फ्रेंच केमिस्ट वॉज फर्स्ट एस्टेब्लिश एक्सपेरिमेंटली यूजफुल डेफिनेशन ऑफ एन एलिमेंट। तो सबसे पहले जो एलिमेंट टर्म है, ये रॉबर्ट बॉयल ने, साइंटिस्ट ने सबसे पहले यूज़ किया था 1661 में, और जो इसकी करेक्ट डेफिनेशन थी वो फ्रेंच के केमिस्ट, यानी कि फ्रेंच के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले ये इसकी डेफिनेशन सही से रखी थी। एंड ही डिफाइन द एलिमेंट एज अ बेसिक फॉर्म ऑफ अ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शंस। तो उन्होंने बताया था कि जो हमारा मैटर, वो केमिकल एलिमेंट होता है, एक बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर होता है, जिसे हम आसानी से ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी से या केमिकल प्रॉपर्टी से, केमिकल प्रॉपर्टीज नॉट फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी से हम इसे, केमिकल रिएक्शन से हम इसे आसानी से
ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं आयरन का, आयरन को हम आसानी से ब्रेक डाउन नहीं कर सकते बाय अ केमिकल रिएक्शन। हम रिएक्शन कराएंगे तो उसे हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते सिंपलर सब्सटेंसेस में। तो एलिमेंट दैट कैन बी नॉर्मली डिवाइडेड इनटू मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। तो एलिमेंट्स को हम तीन कैटेगरी में कर सकते हैं, होता है फिर नॉन मेटल फिर मेटलॉइड। अब मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टी है पहले वो देख लेते हैं। मेटल्स यूजली शो सम ऑल ऑफ द फॉलोइंग द प्रॉपर्टीज। पहला है हमारा यानी कि मेटल्स या तो कुछ प्रॉपर्टी शो करेगा या पूरी शो करेगा। जैसे कि दे हैव अ लस्टर शाइन, यानी कि जो मेटल्स होते हैं वो चमकदार होते हैं, ठीक है, उनमें से चमक होती है। एंड दे हैव अ सिल्वरी ग्रे एंड गोल्डन येलो कलर, यानी कि इनके जो कलर्स होते हैं या तो सिल्वरी ग्रे होता है, जैसे कि हम बात करें आयरन की, आयरन हमारा कैसा होता है कलर में, ग्रे ग्रे टाइप का होता है, और गोल्डन येलो हमारा उसको ले लो आप, गोल्ड को ले लो और या फिर कॉपर को ले लो, ठीक है। सो दे कंडक्ट अ हीट एंड दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो दोनों जो मेटल होता है उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, उनमें से हीट आराम से वो ट्रैवल कर पाती है, या गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं हमारे मेटल। और हीट की बात करें, हीट को भी अच्छा आसानी से कंडक्ट करती है, कंडक्ट यानी कि उसमें से हीट आसानी से ट्रैवल कर सकती है। अब एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, अगर हम कोई आयरन रोड को एक साइड से गर्म करते हैं, एक पॉइंट से गर्म करते हैं, तो दूसरी पॉइंट भी गर्म हो जाएगी। सो दैट इज द कंडक्शन ऑफ हीट, अंडरस्टूड। सो दे आर डक्टाइल, डक्टाइल यानी कि हम उसे पीट पीट के खींच खींच के लंबा कर सकते हैं मेटल को। और दूसरा होता है हमारा मैलेबल, मैलेबल प्रॉपर्टी क्या होती है, हम उसे पीट पीट के एक पतली थिन शीट बना सकते हैं, ठीक है। फिर दे आर सोनोरस, सोनोरस यानी कि हम उसे अगर किसी के साथ हिट करते हैं तो वो उसमें साउंड निकलता है, मेटल को मेटल के साथ हिट करते हैं तो साउंड निकलता है, लाइक अ रिंग, बैल हो गया हमारा, ठीक है। सो एग्जाम्पल एग्जाम्पल मेटल्स आर गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा। माइक जो मरकरी है इकलौता ऐसा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में रहता है एट रूम टेम्परेचर, जस्ट रिमेंबर दैट। नॉन मेटल की बात करें तो नोट याद रखना, जो मरकरी है वो इकलौता ऐसा मेटल है जो लिक्विड में रहता है, सॉलिड नहीं, लिक्विड में रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है एट अ रूम टेम्परेचर। सपोज अगर मेरे रूम में अभी मरकरी होता तो इट विल बी इन अ लिक्विड फॉर्म। सो अब नॉन मेटल की बात करें, नॉन मेटल की बात करें तो इसमें वैरायटी होती है कलर्स की। दे आर पोर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि उनमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों ही कंडक्ट नहीं हो पाती है। दे आर नॉट लस्टरस एंड सोनोरस एंड मैलेबल, यानी कि ना ही वो तो लस्टरस होते हैं, लस्टरस यानी कि चमकदार भी नहीं होते हैं, बजते भी नहीं हैं, और साथ में उन्हें पीट पीट के उनकी शीट नहीं बना सकते। तो आपको पता है कि 2 ग्राम सोने को, 2 ग्राम 10 ग्राम सोने को, गोल्ड को हम खींच के 2 किलोमीटर तक वायर बना सकते हैं, 2 किलोमीटर तक, ठीक है। तो एग्जांपल ऑफ अ नॉन मेटल्स आर हाइड्रोजन, नॉन मेटल्स के एग्जांपल हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, आयोडीन है, कार्बन है, कार्बन के जैसे हमारी कॉक ले लो, कॉल ले लो, कोयला, ये सारा हमारा नॉन मेटल है, ब्रोमाइड हो गया। तो ये सब देखेंगे आप, ये भद्दे भद्दे होते हैं, ना तो इनमें चमक होती है, ना इनमें साउंड निकलता है, ना ही इसे पीटोगे तो टूट जाएगा आसानी से, ठीक है। और क्लोरीन भी हमारा नॉन मेटल एग्जांपल है। सम एलिमेंट्स हैव अ इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन दोज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड देयर आर मेटलॉइड। तो यानी कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें दोनों की प्रॉपर्टी होती है, मेटल की भी और नॉन मेटल की भी। तो ऐसे मेटल एलिमेंट्स को हम कहते हैं मेटलॉइड। जैसे कि हमारा बोरोन, बोरोन होता है, इसमें हमारी मेटल की प्रॉपर्टी भी है और नॉन मेटल की भी है। सिलिकन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये मेटलॉइड के एग्जांपल हैं। तो अभी राइट नाउ गाइस हमारे 100 एलिमेंट्स है, ठीक है, 100 एलिमेंट्स है जिनको जिन्हें हमें पता है। एंड 92 एलिमेंट्स ऐसे है जो नेचुरली है, नेचुरली यानी कि नेचुरली हमें अर्थ से मिले हैं और बचे हुए इंसानों द्वारा बनाए गए मेटल्स हैं। मेटल्स नहीं मतलब एलिमेंट्स हैं, मेटल्स सारे नहीं हैं। तो जो मेजोरिटी ऑफ द एलिमेंट्स है, यानी कि ज़्यादातर जो एलिमेंट्स है वो सारे सॉलिड है, ठीक है। और 7 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो गैसियस फॉर्म में रहते हैं एट रूम टेम्परेचर। 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो लिक्विड फॉर्म में रहते हैं एट रूम टेम्परेचर, जिसके एग्जाम्पल है मरकरी, ऐसे मैंने आपको बताया था, दूसरा है हमारा ब्रोमिन।
और तीसरा हमारा है ऐसे गैलियम हो गया और सीजियम हो गया, दो ऐसे है टेम्परेचर, दो ऐसे एलिमेंट है जो लिक्विड बन जाते हैं अगर उसे टेम्परेचर अबव यानी कि इस 303 केल्विन के अबव टेम्परेचर पर रखा जाता है तो वो लिक्विड बन जाते हैं। तो अब आता है हमारा कंपाउंड। अब कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड वो होता है ऐसा सब्सटेंस होता है यानी कि कंपाउंड इज सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। कंपाउंड क्या होता है हमारा? जिसमें एक दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर एक सब्सटेंस बनता है उसे हम कंपाउंड कहते हैं, या तो वो केमिकली कंबाइंड हुआ है एक दूसरे के साथ फिक्स प्रपोर्शन में, ठीक है, फिक्स प्रपोर्शन में, या तो अब हम तो यहाँ मिक्स डिफरेंस रखे हैं केमिक मिक्सचर्स एंड कंपाउंड का, ठीक है, तो समझ लेते हैं। जो मिक्सचर्स होते हैं उनमें एलिमेंट और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर, नो न्यू कंपाउंड फॉर्म, यानी कि मिक्सचर में कोई भी नया कंपाउंड नहीं बनता है, ठीक है, ओनली मिक्सचर बनता है। लेकिन कंपाउंड में क्या होता है, जब एलिमेंट रिएक्ट करते एक दूसरे के साथ तो न्यू कंपाउंड बनता है, ठीक है। फिर दूसरा, मिक्सचर हैज़ अ वेरिएबल कंपोजिशन, मिक्सचर में डिफरेंट कंपोजिशन होते हैं, ठीक है, वेरिएबल कंपोजिशन होते हैं। और वहीं कंपाउंड की कंपोजिशन की बात करें, द कंपोजिशन ऑफ अ न्यू ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड, यानी कि यहाँ जो कंपोजिशन होगा अगर वो फिक्स रहता है, जैसे कि वाटर की बात करें, वाटर में हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रपोजिशन क्या है इसमें हमारा? हाइड्रोजन हमारा 2 होगा, ऑक्सीजन हमारा 1 होगा, यानी कि यहाँ फिक्स हो रखा है। यहाँ लेकिन कोई फिक्स नहीं है, यहाँ हम कुछ भी डाल देते हैं, कुछ भी मिक्स कर देते हैं, तो मिक्सचर में ऐसे ही है यहाँ, लेकिन यहाँ हमारा एकदम रूल के हिसाब से चलते हैं। मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट सब्सटेंसेज, तो मिक्सचर होता है वो किसी प्रॉपर्टी शो करता है जिस सब्सटेंसेज से वो बना हुआ है, लेकिन जो न्यू सब्सटेंस होता है उसकी प्रॉपर्टी कम्प्लीटली डिफरेंट होती है फ्रॉम इट्स जिस कंपोनेंट से वो बनाया उससे बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है नए सब्सटेंस के बने हुए कंपाउंड की। जो कंपाउंड है बना होता है उसकी प्रॉपर्टी पूरी तरह से डिफरेंट होती है, जैसे कि हमारे वाटर की प्रॉपर्टी पूरी तरह से डिफरेंट है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से। द कॉन्स्टिट्यूट कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजिली बाय द फिजिकल मेथड, तो जो मिक्सचर होता है उसके जो मिक्सचर होता है उसे हम उसके जो पार्टिकल्स जिससे वो बना हुआ है मिक्सचर बना है कॉन्स्टिट्यूट है कॉन्स्टिट्यूट्स जो जिस कॉन्स्टिट्यूट से बना है उनको हम आसानी से सेपरेट कर सकते हैं बाय अ फिजिकल मेथड लाइक अ फिल्ट्रेशन। लेकिन अगर आपको कंपाउंड्स के एलिमेंट्स को डिफरेंट सेपरेट करना है तो उसके लिए हमें केमिकल या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल यानी कि हमें इलेक्ट्रिसिटी की भी जरूरत पड़ सकती है, कहीं इलेक्ट्रिसिटी वाली रिएक्शंस की जरूरत पड़ सकती है रिमूव करने के लिए, ठीक है। तो मटेरियल ऑप्टेन बाय द ग्रुप इज, चलो ये नहीं चलेंगे, तो यहाँ दिया क्या है हमारा पूरा मैटर, मैटर है हमारा प्योर सब्सटेंस मिक्सचर। तो प्योर सब्सटेंस में हमारा एलिमेंट और कंपाउंड होता है और मिक्सचर में हमारा होमोजेनियस और हेटरोजेनियस आता है, तो ये आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। क्या दैट्स इट गाइस, एंड होप यू लाइक इट, सो दैट्स इट, होप यू एंजॉयड इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, एंड इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू प्लीज लेट मी नो सो आई कैन कंटिन्यू विद अदर चैप्टर्स एज वेल, एंड इफ यू एंजॉयड इट जस्ट let me in the comment section and motivate me to make more videos. If I don't get the enough reaction from you, then I won't make video like this anymore. Thanks for watching. Bye bye.